नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार का मैं आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। देख रहे हैं कि इस वक्त कैसा सीड के नवंबर वायदा 6372 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड के अंदर से अचानक से उछाल बनता हुआ नजर आया है। कैसे सीड की कीमतें जो काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही थी, 6000 से लेकर 6100 की सीमित दायरा देखने को मिल रहा था, अब वही कैसे सीड एकदम से 6300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दो दिन से देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या कैसे के अंदर यहाँ पे जैसे 6300 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई है तो यहाँ से कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी और आपका जो लेवल है 6500 का देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी अभी भी? देखिए, मुझे लगता है कि कैस्टर में यहाँ से तेजी ही बनेगी। मैंने लगातार यही बोला है कि जो भी डिप आती है आप उसमें खरीदारी कीजिए, और कैस्टर जो है अब 6000 के नीचे लुढ़का था लेकिन उसके बाद से लगातार उसके अंदर बाइंग हमने आते हुए देखी है, तो फिलहाल ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है और मुझे लगता है कि कैस्टर ऊपर में 6500 का स्तर जो है वो दिखा सकता है। बल्कि आपको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में ये लेवल देखने को मिले, तो फिलहाल मुझे लगता है कि कैस्टर के अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए। ये सिर्फ जी देखने बिनौला खल की जो करेक्शन है वो और ज्यादा गहरा गई है, 2444 पर कारोबार करता हुआ देखने बिनौला खल का दिसंबर वायदा। आपको क्या लगता है ये करेक्शन अभी और कितनी गहरा सकती है? देखिए, गिरावट जो है अभी करेक्शन मोड में है मार्केट, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे गिरता भी है तो 2400-2380 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, वहां से वापस से खरीदारी लौट सकती है। लेकिन इस पे घबराने की जरूरत नहीं है जो प्राइसेस के अंदर करेक्शन आ रही है, बल्कि मुझे लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है जिनके अंदर बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए मुनाफा कमाया जा सकता है। ओवरऑल कॉटन का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है, प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है, तो अभी जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है। इस करेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखे। 2400-2380 के अराउंड मिलता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाय करके चला जा सकता है। जी, ये सर ऊपर जी देखिए, अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स को तो देख रहे हैं कि आज कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है मसालों में अब कैसा रुझान रहेगा, जिस हिसाब से दिवाली धीरे धीरे पास आ रही है, समय कम है और दिवाली पे ये भी देखते हैं कि जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि मसालों का वायदा बाजार सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। अब क्या लगता है आगे वायदा बाजार में मसालों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मसालों के अंदर अभी जो है वो निर्यात मांग काफी कमजोर है, इसलिए बाजार उठ नहीं पा रहे हैं। घरेलू बाजार के अंदर थोड़ी बहुत मांग निकल सकती है त्योहारी सीजन के चलते, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी सस्टेनेबल है, छुटमुट तेजी बन सकती है त्योहारी सीजन के चलते। वहीं धनिये की बात करें तो ऊपर में 8200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। धनिये के बाद जीरे में भी ज्यादा से ज्यादा 15000 का स्तर हो सकता है कि तेजी भी देखने को मिले। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी भी 7400-7500 के आसपास सस्टेन होती दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा तेजी फिलहाल मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर वापस से हो सकता है कि एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आए, लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मांग बहुत कम है, इस वजह से इसके ऊपर प्राइसेस के ऊपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऊपरी स्तरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो है एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, इसी रूप जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कल को हमने जो 11500 का लेवल देखा था आज 11200 के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार सीड 6200 के लेवल्स पर। आपको क्या लगता है क्या इस कारोबारी सप्ताह ग्वार गम 12000 के लेवल दिखला पाएगा और क्या ग्वार सीड 6500 का लेवल दिखला पाएगी इस कारोबारी सप्ताह की अगर बात की जाए तो? देखिए, ग्वार सीड में 6500 तो मुश्किल है इस सप्ताह में, ज्यादा से ज्यादा 6300-6350 एक बार ऊपर में जा सकता है, लेकिन हाँ गम की बात करें तो गम 12000 हो सकती है नवंबर वायदा की, क्योंकि अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी है तो नवंबर वायदा में हो सकता है आपको गम के अंदर 12000 का स्तर देखने को मिल जाए। और वहीं अगर हम बात करें सीड की तो सीड के अंदर भी करंट लेवल से 100-150 पॉइंट का उछाल देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है बाजार तेजी की तरफ है, छुटपुट गिरावट है, इस गिरावट के अंदर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। लगातार 11000 के ऊपर टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है। ये से रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि सरसों में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो सरसों 8200 के घरों में नीचे जा चुकी थी अब वो 8400 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है
सरसों में अब ट्रेंड कैसे रहने वाला है और सरसों के साथ साथ बाकी खाद्य तेलों में जैसे सोयाबीन, सीपीओ और रिफाइंड सोया में कैसे ट्रेंड रहेगा? देखिए, घरेलू मार्केट में अभी फिलहाल देखा जाए तो त्योहारों के चलते खाने के तेलों में फिलहाल बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सरकार के ड्यूटी कट के फैसले के बाद खाने के तेलों में प्रति लीटर की अगर बात करें तो 10 से 15 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। लेकिन भारत में ड्यूटी कट से मलेशिया और इंडोनेशिया में कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। तो आपको मुझे लगता है कि अभी छुटमुट गिरावट जो है अभी और भी बनी रह सकती है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो मलेशिया के अंदर अभी जो है सीपीओ के भाव बढ़े हैं और खाने के तेलों में ग्लोबल डिमांड काफी अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दी है। बायोडीजल से भी अच्छी मांग से सपोर्ट बनता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखा है। और वहीं कनाडा में बिनोला की फसल पर असर से खाने के तेलों को भी सपोर्ट मिला है। तो काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मजबूती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिलहाल बाजार जो है एक सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया है उसका असर भारतीय बाजारों पर तो आया है, लेकिन विदेशी बाजारों में प्राइसेस जो है वो तेज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है बाजार थोड़ा सा उठ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के अंदर कैस्टर सीड और एडिबल ऑयल, इन एडिबल ऑयल को छोड़कर कैस्टर सीड में आप बाइंग कर सकते हैं। कैस्टर सीड के साथ साथ ग्वार के अंदर बाइंग की जा सकती है। कैस्टर सीड और ग्वार ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती हैं जो आने वाले दिनों में मुनाफा दिखा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज इंट्राडे में आप कैस्टर सीड और दूसरा ग्वार के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एम्स टीवी पर।